हेलो फ्रेंड्स, माथुर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे जिनके बैक आ गई है फर्स्ट ईयर में और या रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है तो उसके जनवरी में एग्ज़ाम होंगे। वो एग्ज़ाम होंगे जो अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए मैं आपको मॉक टेस्ट का पेपर सॉल्व करा रही हूँ। मॉक टेस्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप देखेंगे तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 200 वॉट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करो। मतलब कि अपन को क्या प्रतिरोध निकालना है। अपने को P दे दिया और V दे दिया, तो अपन को फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो अपन देखते हैं, P तो दे दिया है 200 वॉट, V दे दिया है 250 वॉट, और I अपन को निकालना है और आर अपन को निकालना है। आई निकलेगा तभी अपने आर निकलेगा। तो सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई। तो आई बराबर क्या होगा? पी अपॉन वी। पी अपने पास कितना है? 200, और वी कितना है? 250। इससे अपने आई निकालते हैं, तो अपन देखते हैं 200 200 अपॉन 250 इजिकल टू कितना आ गया? 0.8। कितना आया है? 0.8। तो अपने पास आई कितना आ गया? 0.8। अब अपने को आर निकालना है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? वी इजिकल टू आई आर। वी अपने पास कितना दे दिया है? 250। आई अपने पास है 0.8, इंटू आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 250 अपॉन 0.8। 250 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू कितना आ गया? 312.5। तो अपन आंसर क्या आ गया? 312.5 ओम। अब अपने ऑप्शन में जहाँ 312.5 ओम है वहाँ अपन को टिक करना है, तो इसका आंसर हो गया 312.5 ओम। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, 24 ओम प्रतिरोध वाली कॉइल के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। मतलब शक्ति गुणांक की गणना करनी है। जो 5 एम्पियर की धारा 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई पर लेती हो। क्या क्वेश्चन है? कि पावर फैक्टर निकालना है। आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, 50 हर्ज दिया हुआ है, तो इसकी अपन को इसके पावर फैक्टर निकालना है। अब ऑप्शन में आ गया, तो सबसे पहले अपन को जो रफ पेज होता है उसी पे अपन को सॉल्व करना पड़ता है। तो अपन देखते हैं, पावर फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या दे दिया है? आर दे दिया है, आर दे दिया है 24 ओम, आई दे दिया है 5 एम्पियर, और वी दे दिया 240 वोल्ट, और एफ है 50 हर्ट्ज। ये अपन को दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या फॉर्मूला होता है? आई बराबर वी अपॉन एक्स एल। आई दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं? एक्स एल निकालते हैं। तो वी 240 अपॉन एक्स एल निकालना है, और आई कितना दे दिया है? 5 एम्पियर। तो एक्सेल अपन निकालते हैं, तो 240 अपॉन 5, तो अपन निकालते हैं 240 में 5 का भाग देते हैं, 240 अपॉन 5, तो कितना आ गया? 48। तो एक्सेल अपने पास कितना आ गया? 48। ठीक है, अब अपने पास एक्सेल तो आ गया है। अब अपने को क्या जेड निकालेंगे? जब भी कॉस फाई का मान निकलेगा तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो आर अपने पास है, एक्सेल है, तो उससे जेड आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? आर अपने पास कितना दिया है? 24 ओम, तो 24 का स्क्वायर प्लस एक्सेल कितना दिया? 48 का स्क्वायर। तो इनको अपन सॉल्व करते हैं, 24 × 24, तो इजिकल टू कितना आ गया? 576। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं अंडर रूट में 576 प्लस 48 का 48 से मल्टीप्लाई करते हैं,
48 × 48 इजिकल टू कितना आ गया, 2304। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया है 2304। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 2304 प्लस 576 प्लस 576 इजिकल टू कितना आ गया, 2880। तो क्या आ गया, 2880। अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो इसका अंडर रूट में इसका अपन कर लेते हैं, तो कितना आ गया देखो, अंडर रूट में 53.66, कितना आया है 53.66। तो अपन इसका मान लिख देते हैं 53.66। अभी अपने पास कितना आ गया, जेड आ गया 53.66। अपने फॉर्मूला क्या है, कॉस फाई निकालने का, आर अपॉन जेड। आर अपने पास कितना था, 24, तो 24/जेड कितना आ गया 53.66। अब 24 के अंदर अपन भाग दे देते हैं, 24 / 53.66 इजिकल टू कितना आ गया, 0.444। तो अपने इसका उत्तर आ गया 0.447। अब ऑप्शन में अगर 0.447 नहीं है और ऑप्शन में 0.5 है, तो अपन 0.5 को टिक करते हैं। तो अब अपने इसमें आ गया 0.5, तो अपने ये उत्तर हो गया 0.5 पावर फैक्टर। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। भाई तीन कैपेसिटर दे दिए हैं और इसकी गणना करनी है। अब ये किस में दिए हुए हैं, ये सीरीज में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं, सीरीज में। तो अपन का रजिस्टेंस सीरीज में होता है, तो R1 + R2 + R3 पढ़ते हैं, परंतु जब कैपेसिटर सीरीज में दिया हुआ, तब अपना फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब कितना दिया है, 1/C1, तो 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब 30 क्या करते हैं, अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 30 में 30 का दिया 1 प्लस यहाँ पे 3 + 1, तो कितना हो गया 5/30। 5/30, 5 के अंदर 30 का अपन भाग देते हैं, तो ये तो क्या आ गया कि 1/C आया, परंतु अपन को सी चाहिए, तो कितना होगा 30/5। अब 30 के अंदर 5 का अपन भाग देते हैं, 30 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। तो ये अपने आंसर ऑप्शन में जहाँ 6 आता है, वहाँ 6 माइक्रो फेरेड, क्योंकि ये माइक्रो फेरेड में दिया हुआ है, तो ये अपन माइक्रो फेरेड। अब चौथा क्वेश्चन आता है, 200 वॉट, 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट सप्लाई से सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सर्किट की कुल शक्ति ज्ञात करो। अब इसके अंदर क्या दे दिया है कि 200, तो पी दे दिया है, वी दे दिया, 240, दो लैंप दिए हैं और किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए। अब किसी की भी पावर निकालनी होती है, तो सीरीज चाहे हो चाहे पैरेलल हो, उसका फॉर्मूला एक ही होता है। अब इसको भी अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके अंदर अपन को दे दिया है पी, तो दे दिया है 200 वॉट, वी दे दिया है 240 वोल्ट, और अपन को सीरीज में जुड़ा और कुल शक्ति अपन को निकालनी है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला अपन लगाते हैं, आर इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर अपने पास है 240 × 240 अपॉन पी, कितना दे दिया है 200। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, दो सौ चालीस इंटू 240 इजिकल टू कितना आ गया 576। इसके अंदर 200 का भाग दे देते हैं, तो आ गया आपके 200 का भाग देंगे, सॉरी वापस करते हैं, 240 × 240 इजिकल टू 576। 0 0 आ गया।
अपन यहाँ लिख लेते हैं 5 7 6 0 0 अपॉन 200 डिवाइडेड 200, तो इसका आंसर आ गया 288। अब अपन इसका सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 288। क्या आया है? आर आया है। क्या आया है? आर आया। अब अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज में है तो अपन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर वन प्लस आर टू। तो आर वन अपने पास है 288 प्लस आर टू अपने पास कितना है 288, तो टोटल कितना होता है 576। 288 के अंदर 288 प्लस 288 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 576। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 576। अब अपन आई निकालते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, वी अपॉन आर। वी अपने पास 240 दिया हुआ है, आर अपने पास 576 आ गया है, तो अपन निकालते हैं टू फोर्टी डिवाइडेड 576 इज इक्वल टू कितना आ गया है, देखिए अब 0.416, 0.416 ये क्या आया, आई आ गया है। अब अपने पास फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई, तो वी अपने पास कितना है 240 इंटू कितना आया 0.4166। अब 0.4166 को 240 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपने पास डिजिट है ही है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 240 से, तो अपने पास आया 99.999। तो इसको अपन 100 ही मान लेते हैं, 99.999। तो इसको अपन क्या करते हैं 100 वॉट मान लेते हैं। तो अब जब इसका ऑप्शन आ गया 100 वॉट, तो अपन ने इसको 100 वॉट पे क्लिक कर दिया। अब चौका आगे का क्वेश्चन आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। जब P इतना दिया हुआ है, Q इतना दिया हुआ है, S दिया हुआ है, तो अपन को क्या निकालना है, PR निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था आपको P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। P अपने पास दिया हुआ है 500 अपॉन क्यू दिया हुआ है 300 इज इक्वल टू एस अपने पास है 15 अपॉन आर अपन को निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 500 आर इज इक्वल टू 300 × 15, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 300 × 15 अपॉन 500। तो अब अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 300 × 15 इज इक्वल टू कितना है 4500। इसके अंदर 5 का भाग दे देते हैं, 500 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ गया 9। तो आर कितना आ गया 9 ओम, तो ऑप्शन में 9 ओम आता है, उसको अपन क्लिक कर देते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना 0.01 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 0.01। अब आगे का क्वेश्चन है, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो क्या है, संधारित्र को समानांतर में जोड़कर, मतलब कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़कर है जो अपन कम शक्ति गुणांक बेहतर बना सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, RLC सीरीज परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। क्या क्वेश्चन है, RLC सीरीज सर्किट में किस स्थिति में अनुनाद होगा। तो इसका आंसर होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है। आगे का क्वेश्चन है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। अगर वोल्ट मीटर को अमीटर की तरफ जोड़ देते हैं तो क्या रीडिंग जो है वो कम बताएगा, कम पाठ्यांक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या अर्थ है।
स्टार्विंग क्या होता है? अग्नि से ईंधन तत्वों को अलग करना स्टार्विंग कहलाता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? क्या है? अपर्याप्त ऊष्मन, इनसफिशियंट हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। आगे का क्वेश्चन है, यदि तीन प्रतिरोध R1+R2+R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? अब समानांतर में जुड़ा हुआ तो अपन लिखते हैं 1/RT बराबर 1/R1+1/R2+1/R3, परंतु ऑप्शन में है जो 1/RT की जगह अपन ने सिर्फ RT दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R1+1/R2+1/R3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज रिएक्टिव पावर को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अब यह क्या पूछ रहा है? रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, तो रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 3VLIL cos φ। फिर आगे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वायर गेज मतलब SWG, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है SWG का पूरा नाम क्या है? तो S का स्टैंडर्ड, W का वायर, G का गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन बन गए हैं, तो स्टैंडर्ड वायर गेज से तार को मापने का की क्या रेंज है? तो क्या है? 0 से 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज पावर मेजरमेंट में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा? अगर 2 वाट मीटर साथ लगाते हैं तो हमेशा पावर फैक्टर 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड केबल में सर्विंग लेयर का क्या उपयोग है? तो क्या है? आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स डेंसिटी की SI यूनिट क्या है? अब मैं आपको बता देती हूँ, किसी के भी यूनिट होती है वो अपन को याद रखनी जरूरी होती है कि किसकी यूनिट क्या होती है। तो फ्लक्स डेंसिटी की मतलब फ्लक्स घनत्व की यूनिट SI क्या है? तो टेस्ला। क्या है? टेस्ला। अब क्वेश्चन में आता है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? कि बिजली की मात्रा मतलब किसको क्वांटिटी क्या होती है? तो कूलाम में होती है। फिर आता है, संधारित्र की इकाई क्या है? कैपेसिटर की इकाई हमेशा फेराड में होती है। फिर आती है, चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई क्या होती है? मो। क्या होती है? म्यो। आगे क्वेश्चन है, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? रिलेक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर। क्या होती है? एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? कि भाई प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो क्या होती है? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, जो ऑप्शन में आता है उसी को करना है। फिर आगे आता है, फर्मर चीजल का क्या उपयोग है? फर्मर चीजल का उपयोग क्या है? सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए, जनरल चीजिंग वर्क्स के लिए। यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? तो अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होगा? विस्फोट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित को कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना, उसको ही अपन क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है? एडमिटेशन। क्या है? एडमिटेंस। तो इसका उत्तर ही हो गया। आग नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र को धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है? प्लेटों का क्षेत्रफल के द्वारा। एक टेनन्सा के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ट्रायंगल फाइल का, त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं। फिर क्वेश्चन है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र होता है? तो पावर निकालने के लिए धारा इनटू वोल्टेज।
फिर क्वेश्चन आता है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? क्या है? वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है? फॉर्मूला होता है C इजिकल टू Q अपॉन V। फिर क्वेश्चन है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन सा है? कौन सा होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। जो ऑप्शन में आता है उसी को अपन को टिक करना है। आगे का क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? माइका में होता है, अभ्रक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है? तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? कौन सा करता है? तापमान गुणक, टेम्परेचर कॉफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के दोष को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो लूप टेस्ट, लूप टेस्ट से अपन भूमि का प्रयोग करते हैं परीक्षण के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लघु परिपथ दोष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? वेस्टर्न यूनियन जोड़। आगे का क्वेश्चन है, शीट मेटल में तेज मोड़ों के लिए किस प्रकार के स्टिक का उपयोग किया जाता है? तो हैचेट स्टिक का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन है, एक पिको फेरेड है 10^-6 माइक्रो फेरेड की सामग्री से हैमर का हेड बनाया जाता है। मतलब हैमर का हेड किससे बनाते हैं? ड्रॉ फोल्ड कार्बन स्टील का बनाया जाता है। फिर है, फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। फिर है, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? तो कौन सा होगा? रासायनिक प्रभाव। फिर है, PILC एकल कोर केबल का विस्तार क्या है? पी का मतलब होता है पेपर, आई का मतलब इंसुलेटेड, एल का मतलब लीड, सी का मतलब कवर्ड। पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड। फिर है, प्रतिबाधा का मात्रक है और इसका प्रतीक क्या है? प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? ओम है और इसका प्रतीक क्या होता है? जेड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वॉइस का साइज से लिया जाता है, जॉ की चौड़ाई से बेंच वॉइस का साइज लिया जाता है। फिर है, कील निकालने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा होता है? क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। या अगर अपन को डायग्राम बना हुआ दे देता है तो पूछता है कि ये कौन सा हैमर है, तो अपन बता सकते हैं क्ला हैमर। फिर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र कि क्षेत्र तीव्रता H ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो H ज्ञात करने का MMF अपॉन लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर में। फिर है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या है? तो रो इजिकल टू RA अपॉन L। तो ये अपने 50 क्वेश्चन किए हैं मॉक टेस्ट पेपर के, जिनके पेपर बैक रह जाता है फर्स्ट ईयर में उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आए, तो आप जरूर इनको पढ़ाई करें।